Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. आइए अगली टीम में नजर डालते हैं। अब हम बात करें हैदराबाद की। हैदराबाद की टीम में क्या चल रहा था किसी ने हमें अभी तक नहीं बताया। कोई तो बता दे। डेविड वॉर्नर को उन्होंने छोड़ दिया, केन विलियमसन को कप्तान बनाया। चलिए इतना ही सोचेंगे कि रात गई बात गई, वो सीजन जो है वो खत्म हुआ। अब केन विलियमसन है उनके कप्तान, वहां पर है उनके सीनियर प्लेयर, उनको पूरा सीजन दिया जाएगा कि भैया चलिए अब आप कप्तानी करें। कोई शैडो नहीं है, कोई परछाई नहीं है किसी और प्लेयर की। और कितना जरूरी है ये एक टीम के लिए, क्योंकि आप समझ गए थे उस टाइम पे, मतलब ऑक्शन तो छोड़ी, ऑक्शन में लग रहा था पहले एक घंटे में पैडल ही नहीं लाया अपना वो। पर जो पिछले सीजन में भी जो हुआ है वीरू, टीमों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी कभी मैनेजमेंट को देख लें, ओनरशिप को देख लें, प्लेयर को देख लें, बंट जाते हैं सब। क्या ये टीम उसको ओवरकम कर सकती है? क्या ये सीजन शुरू करेंगे और कहेंगे चलिए भाई अब थोड़ा सा हार्मनी मिलाते हैं, सुरताल मिलाते हैं सबका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका कप्तान ये कहता है कि भाई मैंने उस खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया, मैनेजमेंट या सिलेक्टर्स ने ड्रॉप किया है, तो मैं चाहता था कि वो खेले, बट मैं क्योंकि कप्तान हूँ, मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मेरी सिर्फ एक वोट है। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक खुलासा किया था कि भाई मैं चाहता था प्लेयर को लेकिन मैं नहीं उनको खिला पाया। तो उसमें मैनेजमेंट को या सेलेक्टर्स को बुरा मानने की या वो एक्शन लेने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत थी, क्योंकि वो कप्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, विच इज वो बिल्कुल सही था। मैं भी कप्तान था, मैंने भी किसी प्लेयर को खिलाना चाहता था, लेकिन मेरा कोच और मेरे मैनेजर और मेरे बाकी वाइस कैप्टन वो सब बोलते थे कि नहीं, मुझे हमें नहीं लगता। तो आपको मेजोरिटी के साथ जाना पड़ता है कई बार कैप्टन को, तो फेयर है। बट उसके लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना कि एक इतना टॉप प्लेयर, आपका इम्पोर्टेंट प्लेयर, आप उसको खिलाएं ना, आप उसको ट्रीट गंदा करें, बाहर बिठा के रखें, वो मुझे थोड़ा ख़राब लगा। मैं अगर उस मैनेजमेंट में होता तो मैं कहता कि डेविड वॉर्नर ठीक है, आप हमारी सोच में नहीं हो, हम आपको नहीं खिला सकते, थैंक यू वेरी मच, बैग उठाइए, आप अपने घर जाइए, यहाँ मत रहिए। जानते हैं कि हैदराबाद की टीम में प्लेयर नाराज थे, राशिद खान डेफिनेटली नाराज थे, इसलिए उन्होंने, हम पहले ही समझ गए थे कि नहीं रहेंगे वो टीम में। पर गए कहाँ पे, देखिए नंबर वन ड्राफ्ट रहे, जॉइंट नंबर वन, दोनों को 15 करोड़ मिले, कप्तान हार्दिक पांड्या और साथ में राशिद खान। और किन्होंने ड्राफ्ट किया उनको, हमारे प्रिय नेहरा जी ने। जी हाँ, नेहरा जी ने जो टीम बनाई भाई, गुजरात टाइटन, टाइटन की घड़ी होती है। और मतलब हैदराबाद में और कोई बचा नहीं जिसके ऊपर हम बात करें। हमने प्लेयर की बात करी नहीं। करी तो कौन से बताओ, कप्तान की बात करी, केन विलियमसन, डेविड वॉर्नर की बात करी, जो एक्स खिलाड़ी, एक्स खिलाड़ी, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन की हमने बात करी, दो रिटेंशन नहीं पड़े, माहौल की बात करी हमने। और पता क्या जरूरी बात क्या है, 1.5 घंटा हो गया, दो टीमें बाकी हैं। मेन बड़ा रिटेंशन था, दोनों अनकैप्ड रिटेंशन। ये देखो, ये दोनों, मैं कह रहा हूँ ये क्लास टॉपर दोनों लगते नहीं है शक्ल से, ठीक है, पर है दोनों क्लास टॉपर। वापस एक बार हैदराबाद का टीम दिखाओ, हम भी तो देखे ना बचा, हम यहाँ आए हैं, टैक्सी वेट करी नीचे, चलो कोई बात नहीं, दिखा देते भाई। उनकी, उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को जरूर रिटेन किया है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार उतने बढ़िया फॉर्म में नहीं है जितने बढ़िया फॉर्म में वो पहले हुआ करते थे। मे बी उनकी जो नेगल्स है, इंजुरी है, उनका एक जो पार्थिव पटेल ने बहुत बढ़िया बात कही कि उन्होंने अनकैप्ड प्लेयर को रिटर्न किया, उमरान मलिक, ये एक ऐसे गेंदबाज है जो 145-50 फीट डालते हैं, हो सकता है शायद वॉच आउट प्लेयर हो सकता है इस बार, अगर मैचेस खेले पिटाई खाएंगे जरूर, वो तो सब खाते हैं, लेकिन एक आधा मैच में अगर ऐसी गेंदबाजी कर गए जो हमारी आंखों को लगे हो कि वाओ ये मतलब 150 की गेंदे, चार या पांच या एक ओवर ऐसा डाल दिया मेडन, या एक ओवर में दो तीन आउट कर दिए, तो वो वाव फैक्टर इनकी बॉलिंग में जरूर नजर आएगा देखने। दूसरा अनकैप्ड अब्दुल समद, अब्दुल समद के जो उनका भी वही बात है, जो पोटेंशियल दिखता है, क्यों वाव फैक्टर नजर आया कि नोकिया को एक ओवर में 26 रन मार दिए, जो किसी के बैट पे बॉल नहीं लग रहा था वहां पे उन्होंने कर दिया काम, तो इसलिए उस नजरिए से उन्होंने देखा फ्यूचर सनराइजर्स ने थोड़ा, जो सही डिसीजंस में एक आध ये दो डिसीजंस हो सकते हैं कि दो अनकैप प्लेयर को उन्होंने डाला, तो चलो उनके लिए ये बड़ा सीजन है, क्योंकि जो सेम चीज़ है, फ्रेंचाइजी ट्रस्ट दिखा रही है आप में, क्यों ट्रस्ट दिखा रही है, क्योंकि आप में एबिलिटी है, अब उसको परफॉर्मेंस में कैसे तब्दील करना है ना, ये मौका है। तीन युवा खिलाड़ी थे इनके पास पहले जिन पे ये भरोसा कर रहे थे, एक प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद, तीनों वापस आ गए इस टीम में, तीनों वापस आ गए हैं। और तीन कौन गए हैं, विजय शंकर, मनीष पांडे और केदार जाधव। तो आप कहीं पे देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने भी सोच जो अपनी दिखाई है युवा खिलाड़ियों के ऊपर और ज़्यादा इनको बैक करेंगे, क्या अभिषेक शर्मा को आप सलामी बल्लेबाज देखेंगे इस टीम का?
मुझे लगता है कि सलामी बल्लेबाज में तो केन विलियमसन के साथ अगर मैं दोबारा एक बार स्क्वाड देखूं और ऑप्शन जरूर रहेंगी, क्योंकि वो पंजाब के लिए शायद खेलते हैं अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी एक ऑप्शन है तो मैं हैरान हूँ केकेआर ने राहुल त्रिपाठी को नहीं लिया वापस, क्योंकि उनके लिए वो सक्सेसफुल बैट्समैन रहे हैं। तो विलियमसन के साथ राहुल त्रिपाठी हैं जो वो ओपनिंग कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। पूरन जो है वो मिडल ऑर्डर, समद मेरे ख्याल से मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, प्रियम गर्ग और समद। ऑक्शन में क्या कहा था, ऑक्शन में कहा था कौन ओपन करेगा केन विलियम्स के साथ? आई थिंक अभिषेक शर्मा तीन नंबर बल्लेबाजी करेंगे, राहुल त्रिपाठी ओपन करेगा। या अनलेस उनको लेफ्टी राइटी वाला ऑप्शन चाहिए तो विलियम्स, अभिषेक शर्मा और ये राहुल त्रिपाठी, क्योंकि सारे कोचेस सोचते हैं अभी तो डेटा आता है कि सक्सेस का डेटा आता है कि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन होता है तो ये मैचअप, ये पावर प्ले में सक्सेस मिलती है, राइटी होते तो ये सक्सेस मिलती है, दो लेफ्टी होते तो ये सक्सेस। वो कहते हैं ना अगर कंप्यूटर से क्रिकेट खेली जाती है अपने अजय जडेजा जी तो फिर बात ही क्या थी, ये मैचअप और कंप्यूटर और एनालिसिस ये सब खेल के बाद बनते हैं। कंप्यूटर पे आप फीफा खेल सकते हैं, ठीक है, फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेली जाती इसमें। तो मतलब ये सब कैलकुलेशन है जरूर, ठीक है, तो मैच के बाद बनते हैं आंकड़े। सब लोग विराट कोहली की तारीफ करते थे कि वाह व्हाट अ प्लेयर, कंसिस्टेंट, लेकिन उनका भी एक पड़ाव ऐसा आ गया अब कि अब उनका भी फॉर्म नीचे आया है, तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों का फॉर्म नीचे आया था, उनके भी आंकड़े बदले हैं पिछले दो साल में, उनको भी दो साल में कोई शतक नहीं मिला है, तो आंकड़े बदले हैं ना उनके भी, करेक्ट। तो ऐसे ही दूसरे भी आंकड़े बनते हैं और बिगड़ते हैं, तो आंकड़ों पे ना जाइए, हमेशा अपनी गट्स फीलिंग पे जाइए कि क्या कहती है कि कौन ओपनिंग करना चाहिए, कौन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं नेट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी होता है मैं नेट में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्लेयर खराब हो गया। तो वो जरूर देखना चाहिए कोचेज को कि कौन क्या कर रहा है, किसको कैसे बैकअप किया जाना चाहिए। नेट में बहुत सारे बल्लेबाज, उनको पसंद नहीं है बल्लेबाजी करना, बहुत सारे बल्लेबाज हैं जिनको सिर्फ पसंद ही नेट में बल्लेबाजी करना ये भी है, तो वो नहीं, या गेंदबाजी करना। तो बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको नेट में बहुत बोलते हुए नजर आएंगे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलें डालते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब मैच में खेलते हैं तो चौके पड़ते हैं तो ना वो बोलते हुए नजर आते हैं ना वो गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो वो फैक्टर जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कौन डिलीवर कर सकता है प्रेशर सिचुएशन में, नेट पे ना जाए। नेट की बहुत बार हमने देखा है कि ये बातें की हैं कि मिचेल मार्श बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अंत में जब वो T20 वर्ल्ड कप खेले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया सिवाय एक मैच में। हालांकि वो इम्पोर्टेंट मैच था फाइनल, लेकिन उससे पहले जो तारीफें कर रहे थे हम उनकी कि वाओ ये वो, बट वैसा उन्होंने कुछ प्रदर्शन किया। ये ऐसे शेन वॉटसन ने भी किया था ना एक IPL में, फाइनल में 100 बना दिए।